वीडियो और आपका अच्छी वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है रामायण एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉसिंग इंडिया नेपाल बॉर्डर। आज हम जाएंगे नेपाल। बिल्कुल, और लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि वो कौन सा वर्ड था एक्साइटेड वाला, तो आज मैं बड़ी उत्सुक हो रही हूँ ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग ये जर्नी कंप्लीट करें, तो हर ऑल्टरनेटिव डे पर हमारी कोशिश होती है कि हम इनकी वीडियो देखें ताकि ये जर्नी आपके साथ बैठकर कंप्लीट कर सके। तो चलिए चलते हैं नेपाल आप सबके साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें 200 जर्नीज के चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस तरफ इंडिया, अब हम आ चुके हैं नेपाल में और रामायण एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कमॉन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, आपके लिए एक और व्लॉग फ्रॉम दिस रामायण एक्सप्रेस सीरीज। अब मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। सोचिए, इंटरनेशनल कंट्री में खड़े होके अब मैं आपके लिए व्लॉग लेकर आया। भाई साहब कमॉन, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए #IncredibleIndia। फ्लेवर आता है ना, बड़ा मजा नहीं, ये तो अभी आज व्लॉग नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है सीतामढ़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था अयोध्या टू सीतामढ़ी की ट्रेन जर्नी। इससे पहले आपने 3 व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं तो आपको पहले यही कहूँगा, पहले वो देखिए ताकि आपको पूरी रामायण एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी समझ आए। और इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं जनकपुर, तो हम क्रॉस करेंगे नेपाल बॉर्डर। इस वाले व्लॉग को पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। ट्रेन से उतर चुके हैं, जी बार बार सूटकेस उतारने की जरूरत नहीं, करेक्ट। और आप कहाँ से हैं? दिल्ली से, द्वारका से। आप दिल्ली द्वारका से, अब तक रामायण एक्सप्रेस जर्नी आपकी कैसी जा रही है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। Yes, तो अभी यहाँ पर बाहर बस वेट कर रही है। Yes. और बॉर्डर हम क्रॉस करने वाले हैं। Okay. Excited? Yes. सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से बाहर आए हैं और IRCTC का ये अरेंजमेंट आप देखिए, 4 बसेस यहाँ हमारी ऑलरेडी तैयार खड़ी हैं। टोटल 129 पैसेंजर्स, उन्होंने व्हाट्सएप पे पहले ही डाल दिया था कि किस पैसेंजर को किस बस में बोर्ड करना है। ये अरेंजमेंट्स आप देखिए, इस चीज़ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे साथ पुलिस भी है टू मेक श्योर एवरीथिंग गोज स्मूथ। थैंक यू सो मच इंडियन रेलवे फॉर दिस। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज पैसेंजर्स बिकॉज सीनियर सिटीजन्स हैं, तो धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं, अपनी बसेस बोर्ड कर रहे हैं और यहाँ से अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द नेपाल बॉर्डर। कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह सब आपको डिटेल्स में दिखाया जाएगा। दिस इज़ बिल्कुल अलग है, ये रामायण एक्सप्रेस का जो टूर है ना, एंड दिस इज़ ओनली day 4 आपके लिए, vlog 4। बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे, देखते जाइएगा। IRCTC का कैब भी दे दिया है ताकि सब लोग मतलब पहचान में रहें। AC बसेस, हर चीज़ यहाँ एकदम अप टू द मार्क। जिस बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बस नंबर 4, ये हमारे ड्राइवर दादा है। पहले ये बताइएगा, यहाँ से जो बॉर्डर है उसका डिस्टेंस कितना है? करीब 30 किलोमीटर। करीब 30 किलोमीटर। और बस यहाँ से करीब कितना टाइम लगेगी बॉर्डर पहुँचने के लिए? सर यहाँ छोटा छोटा बाजार है, संभाल के चलने में 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम मान के चलिए। अगर आप आपके नाव और एक्स्ट्रा रखते हैं तो
ठीक है ना सर, एक से डेढ़ घंटा आप मान के चलिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ पर कितना टाइम लगेगा? बिकॉज हम सर जैसे ऑल इंडिया परमिट है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस है और नेम लिस्ट है, और जो है मेरा जो डबल डोज है उसका वैक्सीन का पर्ची है, वो सब देना पड़ता है सर। देखो यार, रेलवेज के साथ ट्रैवल कर रहे हो, हर चीज़ यहाँ पर अप टू द मार्क है, परफेक्ट है, चिंता मत। बिल्कुल टोटल सब कंप्लीट करके रखे हैं डॉक्यूमेंट सर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए बहुत जय श्री राम की यात्रा से हम लोग बहुत बढ़िया से जाएंगे जी। थैंक यू सो मच। अब ये देखते जाइए, अब यहाँ से आगे बॉर्डर पर कितना टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह, सब कुछ आगे आपको दिखाया जाएगा। मैंने अभी एक व्लॉग ख़त्म किया है और मेरी बैटरी चार्ज है फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ पर एम्बियंस, IRCTC के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टूर मैनेजर्स हैं, वो देखिए बैक टू बैक कितना मैनेज कर रहे हैं। चलें चंदन जी, ये रहे हमारे चंदन जी, चलिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। अगर आप देखोगे इस तरफ इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ गाड़ी की एंट्री वगैरह की जा रही है और आगे नो मैन्स लैंड है ये सारा। अच्छा, ये पूरा नो मैन्स लैंड है और उस तरफ है नेपाल। ये है रामायण एक्सप्रेस का एक्साइटमेंट, चारों बसें बस एक साथ बॉर्डर क्रॉस करने वाली है। देखिए यहाँ पर सब कुछ एंट्री वगैरह, BSF की सिक्योरिटी बोर्ड है, आइएगा आइए। BSF का यस, ड्राइवर दादा ने सब डिटेल्स, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिखाया। याद रखिए फुली वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी। पीछे अगर आप देखोगे वो पूरा बॉर्डर है, आई गेस अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्लियरली विजिबल शायद ना हो। यहाँ पे IRCTC की टीम पूरी तरह से डील कर रही है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ शो किए जा रहे हैं। ओरिजिनल वोटर ID कार्ड या फिर आपको कैरी करना है पासपोर्ट, आधार कार्ड की यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, यहाँ तो शायद ऐसा लगेगा एक डेढ़ घंटा आराम से लगने वाला। चारों बस वहाँ पार्क हैं, पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं, बट ये बहुत अलग है, ये टूर बहुत अलग है। देखते हैं, सब टीम डील कर रही है, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ का एक्साइटमेंट। चलिए चलिए चलिए, लग रहा है मुझे। सीतामढ़ी स्टेशन से हम निकले थे 11 बजे के आसपास, पूरा बॉर्डर का काम कर करके हम होटल पहुंचे हैं 3 बजे के आसपास, आप ये मान के चलिए। एंड दिस इज थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस है। होटल जो मेरे को मिला है वो है सीता शरण, जो होटल मेरे को मिला है, बट जो हमारा लंच सर्व किया जा रहा है वो किया जा रहा है दूसरे होटल में, जहाँ ग्रुप नंबर 2 स्टे कर रहा है। और ये होटल का नाम है वेलकम होटल। पनीर की सब्ज़ी मिलेगी, सूखी सब्ज़ी मिलेगी, ये ज़रूर है। रेलवेज ने आपका खाने पीने का पूरा ध्यान रखा हुआ है। अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ हमारी पूरी IRCTC की टीम यहाँ पर साथ में लंच भी कर रहे हैं। एक टेम्पल है वो हमको यहाँ पर देखने जाना, जितने टूरिस्ट हैं सब अपना लंच कंप्लीट कर चुके हैं। बिकॉज मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैं थोड़ा सा एकदम लास्ट आया हूँ। डेजर्ट में आपको यहाँ दिया गया है रसगुल्ला। यहाँ अब नेपाल में धीरे धीरे शाम होने लगी है, हम जा रहे हैं राम जानकी टेम्पल देखने। यहाँ पर हमारा रिक्शा तैयार, रेडी, बोलिए जय श्री राम। रिक्शा बोर्ड करने के लिए तैयार, हर चीज़ आपको यहाँ बिल्कुल रेडीमेड मिलेगी। भाई आप रोड पे ध्यान मत, ठीक है, रोड पे ही ध्यान है, जब तक राम जी साथ हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए आप देखेंगे और थोड़ा बहुत नेपाल भी एक्सप्लोर करेंगे। रूम टूर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जब मैं वापस आऊँगा। मुझे तो नेपाल भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं लग रहा, अपने जैसा ही लग रहा। Thank you.
हम हैं नेपाल में, बट ट्रस्ट मी यहाँ कुछ ऐसा लगता ही नहीं, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस आपको पता लगता है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया जैसा है, बिल्कुल सेम जैसा लगता है। हम हैं जनकपुर में। सर नेटवर्क का बताइए, मोबाइल नेटवर्क का जरा। नेटवर्क थोड़ा मुश्किल है, कोई आपका नेटवर्क नहीं है? नहीं नहीं, होटल में थोड़ा मिला लेकिन। होटल में तो खैर वाईफाई है, बट वोडाफोन एयरटेल जियो वगैरह कोई भी यहाँ काम नहीं करता अब तक, बिकॉज हम हैं दूसरी कंट्री में। तो आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा जा रहा है? पहले हम वहाँ गए थे जहाँ पर बराती रखा गया था, बरात रखा गया था, राम जी की बराती रखा गया था। और दूसरे टेम्पल हम गए थे जहाँ पर फेरे ले गए थे। और उसके बाद रत्न सागर भी हमने देखा। और अब हम आए हैं एक और लोकेशन पे, यह है राम जानकी मंदिर जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। तो हम ग्रुप में 9 लोग हैं जो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। और भाई मजा आ रहा है, छोटा ग्रुप है बट मजा आ रहा है। इसकी पुत्री जानकी, इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध है राम जानकी मंदिर। और कहते हैं ये वास्तव में राजा जनक का महल था। विवाह यहीं हुआ, और विवाह के बाद उन्होंने एज कन्यादान ये महल भी सीताराम को दे दिया। इसके बाद कहते हैं कि जनक जनक मंदिर है, वहाँ जाके जनक जी एक कुटी में रहने लगे। और फिर बाद में वो एज ए सम्मान के रूप में जनक मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। रामायण एक्सप्रेस का यही तो है, राम जी से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं आपको सब एक्सप्लोर कराई जाती हैं। और जो हमारे साथ हमारे गाइड जी हैं चंदन जी, इनकी नॉलेज रामायण के बारे में क्या कहा जाए। अब इस मंदिर का क्या बोलेंगे आप? इस मंदिर को नवलखा मंदिर भी कहते हैं। आज से 150 साल पहले ओरछा की महारानी ने जब इसको बनवाया तो मात्र 9 लाख रुपये खर्च हुए थे, और इसको बनवाने में लगभग 10 साल का समय लगा। अच्छा, उसके पहले 17वीं शताब्दी में उज्जैन की महारानी ने, और 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में इसका पुनर्निर्माण हुआ, इसलिए इसको 9 लाख कहा। इसलिए 9 लाख लगने के कारण इसको 9 लाख। ये आपको पता था क्या? 9 लाख जरूर सुना, अब समझ जाता है कहाँ कहाँ से आया। आज की ऑफिशियल आइटनरी में सिर्फ एक ही टेम्पल हमको देखना था और वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। वापस हम आ गए अपने होटल। और रामायण एक्सप्रेस का जो ये टूर है ना, ये बहुत सही है। एक रात ट्रेन में और एक रात होटल में, डिपेंडिंग जब भी आप आ रहे हो, आइटनरी वगैरह प्लीज़ चेंज हो सकती है। अब बारी है आपको पूरा रूम टूर देने की। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये डबल बेड सबसे पहले इस तरफ, यहाँ पर पूरा लगेज का सब यहाँ दिया गया है, यहाँ देख लीजिएगा। अब वॉल्स का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आई। इस तरफ आपको टीवी दिया गया है, इस तरफ आपको एसी, डिपेंडिंग जिस भी सीजन में आप आ रहे हो। यहाँ पर सब सेटिंग का ये मिरर इस तरफ, और अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। वॉशरूम में यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको टावल दी गई है, गर्म पानी ठंडा पानी जैसा भी आपको चाहिए। प्लस यहाँ पर कोलगेट वगैरह, सोप वगैरह सब कुछ आपको, टावल वगैरह, बिल्कुल आप नीटनेस देखिए। वॉशरूम आपको कितना नीट दिया गया है वाइड लेंस में, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये देखिएगा, ये पूरा हमारा जो मेरे को रूम दिया गया है सिंगल ऑक्यूपेंसी में, ये वाला पूरा रूम है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो पैकेज आप ले रहे हो, फूड, होटल्स वगैरह, ट्रांसफर्स वगैरह, सब कुछ, बस वगैरह जो भी है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। 4 दिन हो चुके हैं, आप बिलीव करोगे मैंने अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं किया है। शॉपिंग वगैरह आप करोगे वो चीज़ अलग है, बट 1 भी रुपया मैंने खर्च नहीं किया है। इस वाले होटल में आपको वाईफाई मिलेगा, बट वाईफाई सिर्फ बालकनी में काम करता है। ये मैंने आपको पूरा रूम टूर दे दिया। होटल का नाम है सीता शरण। देखिए यहाँ पे 3-4 होटल्स हैं विद द सेम नेम, तो प्लीज़ थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई गेस वी आर पूरा जो ग्रुप है वो 4 अलग अलग होटल्स में स्टे कर रहा है। इस वाले होटल में हमने कुछ 5 या 6 रूम लिए हैं जिसमें 9 लोग अलग अलग स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर पीस देखिए भाई, यही है कंटिन्यूस बैक टू बैक व्लॉग्स आप देख रहे हो, हर दिन होटल चेंज हो रहा है, खाना चेंज हो रहा है, रूट चेंज हो रहा है। भाई साहब ये एक ऐसी जर्नी है, सीरियसली अगर आपको इंडिया देखना है ना, ये वाली जर्नी
कीजिए जरूर और देखिए कितनी मतलब कितनी वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। घूमते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और खाते रहिए। टाइम राइट नाउ इट इज 8 o'clock और टाइम से आपको बता दूं नेपाल और इंडिया के टाइम में 15 मिनट का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो वहाँ पर बज रहे हैं 7:45 और अब वक्त है वापस भोजन का। ये देखिए डिनर, मैं होटल में रह रहा हूँ सीता शरण, बट डिनर सर्व किया जा रहा है यहाँ पर होटल वेलकम में। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग, बट सबसे अच्छी बात यह है होटल हार्डली 2 मिनट की दूरी पर है, 2 मिनट चलिए और आप पहुँच जाते हैं होटल। डेजर्ट में दोपहर को यहाँ पर था रसगुल्ला, अब सर्व किया जा रही है क्या सर्व किया जा रहा है? खिचड़ी। हाँ खीर, खीर खिचड़ी, लौकी, लौकी और क्या है, चने, चने की सब्जी, लौकी चने की, यहाँ पर गोभी आलू, हाँ बता दीजिए और क्या क्या, दाल है, पापड़ है, भाई साहब जितना जितना आप खा सकते हो ना खाइए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये ट्रैवल व्लॉग से ज़्यादा फूड व्लॉग ज़्यादा लग रहा होगा, है कि नहीं? बट आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा फूड आप बैक टू बैक देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, या फिर और डिटेल में देखना चाहते हो, अपनी एश्योर राय ज़रा दीजिएगा ज़रूर। व्लॉग नंबर 4 यही एंड होता है। मैं आया नेपाल फर्स्ट टाइम और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, तो अगर आप नेपाल से ये वीडियो देख रहे हो चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। करेंसी का आपको बता दूँ, इंडिया का 100 रुपीज़ यहाँ पर हो जाता है 160 रुपया। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग, देख लीजिए मैं होटल में वापस आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट डे डे 5 में क्या क्या होगा, क्या क्या एक्सप्लोर कराएंगे वगैरह वगैरह सब कुछ, आपको क्या करना है आपको देखना है व्लॉग नंबर 5। बस आप इसी तरह देखते जाइए और मैं कंटेंट अपलोड करता जाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रेलवे सीरीज में आपसे ये कह सकता हूँ, ठीक है ना? बस इसी तरह मेरे साथ हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी विथ वन मोर एपिसोड ऑफ हैशटैग रामायण एक्सप्रेस। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा भी व्लॉग होगा, स्टार्टिंग होगी रेलवे स्टेशन से और एंड होगा होटल में, और करंटली आई एम इन नेपाल, ठीक है? मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, टाटा। रामायण एक्सप्रेस का यही तो है, जितनी भी रामायण से रिलेटेड जगह हैं वो आपको एक्सप्लोर कराई जाती हैं। और अभी हम रामायण एक्सप्रेस का आज का एपिसोड देखकर जो है मेरे नॉलेज में एक और चीज़ का इजाफा हुआ, जिसका जो है मुझे नहीं था मालूम, क्योंकि इससे पहले हमने रामायण सीरीज देखी थी जो एक छोटी सी एनिमेशन, उसमें नहीं बताया गया था, और आज जो है मुझे पता चला कि सीता जी जो है वो नेपाल से थी। बिल्कुल, और आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं इस बात का पता था, बट ये कि इस जर्नी की सबसे खूबसूरत चीज ही मुझे ये लग रही है कि हमें वो सारी चीजें जो आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं या फिर आप वीडियोस के थ्रू देखते हैं वो आप एक्चुअल में आज देख रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज जो मेरे जहन में आ रही थी, क्योंकि जैसे कि मौजूद ने बोला कि हम लोगों ने पहले एनिमेटेड मूवी देखी है और उसमें ऑब्वियसली हर चीज को कवर नहीं किया गया, लेकिन ये कि इसमें जैसे हम लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था तो उसमें भी जैसे सीता जी को मुंह दिखाई में एक महल मिला था, और आज भी जैसे देखा जाए तो इस मतलब उनको उनकी शादी में यहाँ पर कन्यादान में उनको महल मिल गया। तो मैं ये बात सोच रही थी कि देखो जब जैसे उनको मतलब के एग्जाइल में वो गए, मतलब सीता जी और राम जी, उनके पास ऑप्शन थे कि वो अगर चाहते, उनके पास इतना कुछ था, उनके पास इतने महल थे, लेकिन ये देखो कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल के किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी लाइफ चूज की जो कि सबके लिए एक एग्जांपल सेट किया उन्होंने। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इनसे इन्होंने जो भी कहा कि क्या नाम लेते हैं, अगर वो चाहते तो इस तरह भी जा सकते थे, लेकिन जो है नो डाउट फिर वो एक पूरी चीज जो डिसाइडेड थी, जो उन्होंने चीजें देखनी थी, सिखानी थी, काटनी थी, वो अगर इस तरह के ऑप्शन ले लेते तो फिर वो कैसे होता? वो बात ठीक है, लेकिन हम आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो हम लोगों के पास अगर इस तरह के मुझे लगता है कि विकल्प अगर रहेंगे तो हम लोग कोई एक विकल्प रख लेंगे उसमें से कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन। मुझे पता था मौसम थोड़ा हैरान होगा, बट ये कि मुझे लगता है कि वो वाकई में दुनिया को सिखाने के लिए, बताने के लिए
कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप जो रिश्ते हैं वो निभा सकते हैं। हालांकि जैसे कि बीच में ढुलेश ने बोला कि आप इस जर्नी में पूरे इंडिया को देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी में पूरे भारत को देख सकते हैं, क्योंकि देखो भारत आई थिंक एक बहुत पुराना नाम है, जबकि जो बहुत सारी उसमें आज के टाइम में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो मतलब उस टाइम पर एक साथ थे। और जैसे हम लोगों ने लास्ट में भरत कुंड भी देखा, ठीक है, लास्ट एपिसोड में, और अभी आज के ब्लॉग में हम लोगों ने नेपाल देखा, जो कि सीता जी जहां पर रहती थी। तो मुझे लगता है ये इतनी एक इन्फॉर्मेटिव जर्नी है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें लर्न करें। वैसे इसमें कोई शक नहीं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली जो रामायण से जुड़ी हुई है। कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनके बारे में हमें रामायण देखते हुए नहीं पता चला और आज जो है हमें उसके बारे में पता चल रहा है। अच्छा, बाकी मैं सफर की बात करूंगा कि जो है सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर वो उतरे और वहां से जो है बाय बसेस जिस तरह की, मुझे तो ऐसे बसेस भी बहुत अच्छी लगी। इस तरह की बसेस जो है यहाँ पर भी चलती हैं लेकिन बहुत लिमिटेड स्केल पर चलती हैं, जो सिंगल सीट वाली हैं। तो इतना ट्रैवल नहीं किया, वही ना, बाय रोड हमने ट्रैवल नहीं किया इसलिए जो है हम जरा कम जानते हैं। लेकिन जो नेपाल में जिस तरह एंटर हुए और वहाँ पे जो गेट था उसके बारे में हमने पूछा था, वो गेट इंडिया बना रहा है या वो नेपाल की साइड पर बन रहा है। और मैं यहाँ पर जो है जो जनकपुरी टेम्पल जहाँ पर ये गए उसकी मैं बात पूछना चाहूंगा कि वो जो है उसका स्ट्रक्चर जो है मुझे काफी ज्यादा इस तरह लगा जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना, एक ट्रेडिशनल खासतौर पर गुरुद्वारे का, इस तरह का कुछ मुझे उसका जो है लगा। नहीं वैसे हो सकता है बट यानी कि पता किस तरह, मैं पता आपको बताना चाहता हूँ किस तरह का लगा। जैसे कि एक गुरुद्वारा और जैसे हवा महल को आप देखें ना, तो इस तरह का मुझे मिक्स स्ट्रक्चर लगा उसका ना। बट वो हवा महल महल ही है ना, तो मुझे तो महल जैसा लगा। आई डोंट नो, अब हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो, बट ये कि कहाँ पर फेरे लिए गए, कहाँ पर बरातियों को रखा गया, ये सारी चीजें जो है वो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई विश के वो सारी चीजें थोड़ा और डिटेल में दिखाते तो ज्यादा, लेकिन टाइम का वो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड था। मौजम एक चीज, नौलखा वर्ड, मतलब अब मुझे पता चला ये नौलखा वर्ड कहाँ से आया। नौलखा आई थिंक यहाँ पर हार कहा जाता था ना, नौलखा हार, मे बी इससे पुराना ये वर्ड हो, लेकिन लेकिन ओरिजिन आप बात कर रही है ना। मैं ये बात कर रही हूँ कि इसका बैकग्राउंड देखो ना, कि हम लोगों को पता नहीं, नौलखा यही बोला था, नौलखा हार डाला है, मतलब कि वो 9 लेयर्स वाला होता था हार, और आई थिंक 9 लाख वाली बाद में पता था, 9 लेयर्स वाली का मुझे नहीं पता। बड़े सेट होते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, और एक ही सेट वाला जो था वो नहीं होता था। तो मतलब स्पेशल मैं बचपन में ये सुना करती थी, बट ये कि आज वो मेरे एकदम से जहन में आया कि भाई ये तो वो वाली बात की जा रही है। तो एक गाना भी तो मेरे ख्याल में है ना, मैंने नौलखा, हाँ कुछ पंजाबी में बोल दिया भाई, ये मेरे हाल में हिंदी मूवी का गाना। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी कमाल की जर्नी है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये देखने का। और नेपाल अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, बिल्कुल ऐसे इंडिया पाकिस्तान जैसा ही लगा। हाँ, वैसे मुझे भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि मेरा ख्याल शायद वो बॉर्डर के बिल्कुल साथ एरिया है, इसलिए वो जो है एक बहुत ज्यादा काफी मिलते जुलते, हाँ काफी ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं, तो इस वजह से शायद जो है वो नहीं महसूस हुआ। और इसके अलावा मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ लास्ट व्लॉग में, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हनुमान जी उनको तीर क्यों लगाया था, तो वो भी आप लोगों ने हम लोगों को बताया, जो आप बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब मुझे लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग में ना फिर से गलत वर्ड बोल रही हूँ, एक्साइटमेंट को लेकर उत्सुक आई थिंक होता है, मैंने उत्सव बोल दिया ना, उत्सुक में होता है फेस्टिवल और उत्सुक होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। तो आई एम रियली सॉरी, मैं पहले फिर उत्सुक अगर बोल रही हूँ, मुझे नहीं याद मैंने उत्सुक बोला है या फिर उत्सुक में उत्सुक बोल रही हूँ, उत्सुक बोल गई थी, हाँ लेकिन उत्सुक था, हाँ उत्सुक है। थैंक यू सो मच हम लोगों को करेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। और आप लोगों में से कौन कौन फर्स्ट टाइम इस तरीके से इस जर्नी को देख रहा है, रामायण जर्नी को, मतलब कि जैसे कि बॉर्डर क्रॉस करके देखा, कौन कौन है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें गुड बाय।